जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हमने शाम को डिस्कस कर लिया था पूरा का पूरा आरएमएस के प्रोस्पेक्टस को, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि टोटल 5 स्कूल हैं, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, यहाँ पे क्या एज लिमिट चाहिए, क्या पेपर का पैटर्न होने वाला है एंड कौन कौन सी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की यहाँ पे। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म जो है जो निकला है सीईटी, यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे, ईमेल एड्रेस बनाना है, फोटो साइज चाहिए आपको, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, सो दैट बच्चों को यहाँ पर इजीनेस हो कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। आई होप आपने सबने पिछली वीडियो देखी होगी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड इसके 1 अक्टूबर 2023 से हम अपना बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन वरण्य के नाम से। वरण्य मतलब जिसको डीप डिजायर, किसी चीज को पाने की डीप डिजायर होती है, उसका मतलब होता है वरण्य। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि 2 क्लासेस के लिए होता है, 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। 5 स्कूल आपके पास हैं, चैल जो कि शिमला हिल्स, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु, धौलपुर, 5 आपके पास हैं। 6th क्लास बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, 9th क्लास खाली यहाँ पर बॉयज के लिए होता है। हमने सब डिस्कस कर लिया था एंड ये डेट्स आपको याद रखनी है, 18th सितंबर कल निकला था ये एंड 18th अक्टूबर तक आपके पास ये आएगा एंड उसके बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा जो भी आप अपना नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे उसके थ्रू कि एग्जामिनेशन की डेट कब है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले में कि 6th क्लास के लिए बॉयज और गर्ल्स हैं, 10 to 12 एज लिमिट होगी, 13 to 15 ओनली बॉयज जो कि 9th क्लास के लिए होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रिजर्वेशन क्या क्या होगी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है कि सर फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर टॉप पे सीईटी नोटिफिकेशन आ रही होंगी एंड सीईटी नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर आपको 2024 का यहां पर फॉर्म आ रहा होगा, प्रोस्पेक्टस आ रहा होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको ये फिल करना है। ओके, सीईटी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे ही आप सीईटी की नोटिफिकेशन में जाएंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की पहले वेबसाइट पे जाएंगे, सेकंड नंबर पर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि पॉप डाउन चल रहा होगा सीईटी का, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है देखते हैं। नंबर 1, कंडीशंस, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई सीईटी एग्जाम 2023 ऑनलाइन ओनली, खाली ऑनलाइन मोड है। वेबसाइट पे आप जाएंगे जहां पे आपको लिंक मिलेगा, द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट मींस खाली ऑनलाइन ही आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन को दे सकता है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन इसमें नहीं आ सकती। नंबर 3, इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू द सेम लेवल, ऑल द सीईटी फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड। अगर एक से ज्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन आएगी तो यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सारी की सारी। नंबर 4, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड द सीईटी एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन, द कैंडिडेट्स हु आर नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन बी डिस्क्वालिफाई, जो भी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो दैट मींस ये फॉर्म खाली ऑनलाइन भरा जाएगा। ओके, नाउ 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको एक ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए ईमेल एड्रेस, और एक फोन नंबर आपका हो, बिकॉज इसी पे आपको एसएमएस के थ्रू आएगा कि एग्जाम कब होना है। सो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप देंगे, अपना दीजिए या अपने पेरेंट्स का दीजिए, सो दैट आरएमएस जो आपको ईमेल के थ्रू बता सके यहाँ पर कि कब एग्जाम होना है या क्या क्या आगे नोटिफिकेशन होनी है, रिजल्ट आना है, उसके बाद की सारी इंफॉर्मेशन। यहां तक हो गया आपका। उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर यूजिंग योर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, पहला स्टेप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आ गया। चरण 2, स्टेज 2, फिल द सीईटी एग्जामिनेशन फॉर्म, फॉर्म को सबमिट करेंगे आप, यहाँ पे भरेंगे, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरेंगे, आपको एक एप्लीकेशन नंबर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपको एसएमएस के थ्रू आपके फोन नंबर पे भी आ जाएगा।
सो डैट आप अपने अकाउंट को कभी भी एक्सेस कर सके एंड आपको अपना स्टेटस पता लग सके कि क्या स्टेटस चल रहा है। नंबर थ्री, आपको एक स्कैंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो इस पे डालनी होगी। डिटेल्स विल बी मेंशन्ड ऑन द एक्चुअल फॉर्म एज वेल। जो भी डॉक्यूमेंट्स इस पे चाहिए होंगे उनकी स्कैंड कॉपी आपको यहाँ पे डाल देनी है। ओके, नाउ चौथा पॉइंट क्या आता है, अब है पे। पे यूजिंग पेमेंट गेटवे, आप अपने डेबिट कार्ड से भर सकते हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, क्वाइट ऑब्वियस है, सिक्स्थ और नाइन्थ के बच्चे हैं तो पेरेंट्स ही भरेंगे। उनकी कोई भी यूपीआई आईडी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोन पे, पेटीएम, इन सब से नेट बैंकिंग है, सो डैट आपके पास एक पेड का प्रूफ रह सके। इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट शोन आफ्टर दिस द ट्रांजेक्शन इज कैंसल, अमाउंट विल बी रिफंडेड। अगर उसने तब नहीं दिखाया यहाँ पर कंफर्मेशन तो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लास्ट स्टेज क्या कहता है ये, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ पेमेंट अ रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंट। पहले एप्लीकेशन नंबर आया था, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे और आपके फोन नंबर पे जो आपने दे रखा है, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। और व्हेन डिलीटिंग योर सीईटी फॉर्म इन केस यू सबमिटेड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दी है तो भी आपके पास वो सब कुछ आ जाएगा। ओके, नाउ कैंडिडेट्स कैन मेक द फी पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन। जैसे ही आपने ये ऑनलाइन फॉर्म भरा उसके बाद आप अपनी फीस दे सकते हैं यहाँ पे, और दे कैन मेक द पेमेंट आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम माई अकाउंट्स एनी टाइम। बिकॉज आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइनल सबमिशन आप करेंगे इसमें यहाँ पे, विल रिमेन इनकम्प्लीट अगर आपने थर्ड और फोर्थ नहीं किया है, एंड सो आपका फाइनल सबमिशन होगा। एंड अगर आपने कुछ भी स्टेप इसमें मिस करा तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट करा जाएगा। ओके, आरएमएस विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर द रिफंड ऑफ फीस। भाई कोई भी रिफंड की रिक्वेस्ट आप आरएमएस को नहीं भेजेंगे बिकॉज वो एंटरटेन नहीं करेंगे, पहले ही बता दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिटिंग आरएमएस वेबसाइट। जो भी आरएमएस की वेबसाइट है आप गूगल पे जाएंगे, उस पर डालेंगे आरएमएस, सबसे पहली आपको वेबसाइट आ जाएगी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, वहां पर आपको रेगुलरली जाना है सो डैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। एंड आपको अपनी ईमेल और फोन नंबर लगातार चेक करना है बिकॉज वो आपको लगातार वहां से इंफॉर्मेशन भेजेंगे। ओके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप जब आप फॉर्म भरेंगे आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब के सब आपको ढंग से भरने हैं बिकॉज उसी को आरएमएस यहां पर एंटरटेन करेगा। डन, RMS will not entertain under any circumstance for the change in the information. अगर आपने एक बार कुछ गलत information इसमें दे दी तो RMS दोबारा से आपको यहाँ पर entertain नहीं करेगा। So आपको CET का form बहुत ही यहाँ पर easiness से and ध्यान से भरना है। RMS disclaims any liability that may arise due to incorrect information. RMS कोई भी यहाँ पर liability नहीं लेगा। Okay, next, RMS does not edit, alter any information entered by the candidate. जो भी आपने भरा है वो उसको कोई भी एडिट मॉडिफाई नहीं करेगा। देन इन केस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन द सीईटी सबमिटेड अ कैंडिडेट कैन डिलीट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई अगेन। वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डिलीट कर सकता है टू अप्लाई अगेन। टू डिलीट अ फॉर्म इंफॉर्मेशन सच एज एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन आ भी गई है तो उस टाइम पर आपको ईमेल एड्रेस होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास सब कुछ होगा, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ओनली आफ्टर डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग फॉर्म यू कैन अप्लाई फॉर द न्यू फॉर्म। आपकी फीस तो वापस नहीं आएगी बट आप दोबारा से उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, व्हाइल द आरएमएस, इस लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए, इन केस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अ कैंडिडेट कैन डिलीट द फॉर्म टू अप्लाई अगेन, डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं। व्हाइल द आरएमएस टेक्स Every care by providing the guidelines, proper आपको guidelines मिलेंगी कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे भरना है, आप अपने parents के साथ इसको form को भरिए so that आपकी कहीं भी गलती ना हो। It may be noted that beyond the last date of applying, no examination payment shall be accepted. Last date याद रखिए 18 September से 18 October, तब तक आपको ये सब कुछ करना है। Okay, it may be noted that beyond the last date, no examination fees will be accepted. कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द डैशबोर्ड। आपको ईमेल एड्रेस, अपना एसएमएस, ये लगातार चेक करते रहना है। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे आई एग्री विद दिस टर्म्स एंड कंडीशन, फिर आप सबमिट करेंगे एंड फॉर्म को उसके बाद आप आगे
भर देंगे। तो इस तरीके से कुछ आपको सीईटी का फॉर्म भरना है। प्रोस्पेक्टस आज हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, टेस्ट का क्या पैटर्न होने वाला है, यहाँ पर ये सब डिस्कस कर लिया है। एग्जाम की डेट अभी पता नहीं है, वैकेंसी कितनी होती है वो डिफर करेगी। 5 स्कूल्स हैं, हमने उसमें पूरा फॉर्म भी देख लिया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म पे अपने यहाँ पर क्या कहते हैं प्रायोरिटीज देनी है। तो इसके बाद ये था हमारा सीईटी का फॉर्म। आप राष्ट्रीय सेवा चैनल को लगातार देखते रहिए, सो डैट आपको यहाँ पे लगातार अपडेट्स मिलते रहें। एंड 1st of October से हम अपना बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द RMS, फॉर द RIMC, फॉर द सैनिक स्कूल, फॉर द टेरिटोरियल आर्मी, NDA, CDS, FCAT, अग्निवीर, इन सभी से रिलेटेड जितने भी डिफेंस के मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था, वो एग्जाम जो आपको राष्ट्रीय सेवा की तरफ लेके जा रहा है, हम उन सभी को डिफेंस के एग्जाम्स को यहाँ पर कवर करेंगे। सो विद दीस वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।